ओबीएस कहानी नंबर 45 स्टीफनुस और फिलिपुस। पहले रे मसीह गुरु अभिचे स्टीफनुस नाम एक आदमी था। सब लोग तेसरा आदर करो थे। पवित्र आत्मा ने तेसके बहुत ज्यादा सामर्थ्य और बुद्धि दीती थी। स्टीफनुस ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। जब तेने यीशु पर भरोसा करने के बारे में लोगों को शिक्षा दी थी तो तेसरी शिक्षा से बहुत सारे लोगों ने यीशु पर भरोसा किया। एक दिन स्टीफनुस यीशु बारे में शिक्षा देने लग रहा था और कुछ एड़े यहूदी आए जिन्होंने यीशु पर भरोसा नहीं किया था। तिन्हां ते साथ बहसबाजी करनी शुरू करती। सो बहुत गुस्सा हो गए। इस खातर से तारमी गुरु आगे गए और तेसरे बारे से झूठ बोलिया। तिन्हां ने बोलिया असि स्टीफनुस मूसा और परमात्मा बारे से बुरी गल्ला बोलते हुए सुनिया। इस खातर तारमी गुरु ने स्टीफनुस पकड़ी गिरफ्तार कर ला और तेसके महापुरोहित और यहूदी और दूजे गुरुआ सामने लेके आए और भी झूठे गवाए और तिन्हां ने स्टीफनुस बारे से झूठ बोलिया। महापुरोहित ने स्टीफनुस से पूछा क्या ये लोग तेरे बारे से सच बोलने लग रहे। स्टीफनुस ने महापुरोहित के जवाब देने खातर बहुत सारी गल्ला बोलिया। तिने बोलिया कि अब्राहम के समय से ईसु के समय तक परमात्मा ने इजराइली लोगों खातर बहुत सारे अनोखे काम कर रखे पर लोगों ने हमेशा परमात्मा का आदेश नहीं माना था। स्टीफनुस ने बोलिया तुसे परमात्मा के खिलाफ जिद्दी और विद्रोह करने वाले लोग है। तुसे हमेशा पवित्र आत्मा स्वीकार नहीं की जिया कि असर बुजुर्ग ने हमेशा पवित्र आत्मा स्वीकार नहीं की थी और हमेशा तेसर भविष्यवक्ता मारते थे पर जो तिना ने किया था तीजरी तुलना बिच तुसे और भी बुरा काम कर रखा तुसे मसीह मारता। जब तिना तारमी गुरुआ ने यह सुनया तो सो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि तिना ने अपने कान बंद कर ले और उच्ची आवाजा बिच चिल्लाए। सो स्टीफनुस के घसीटी के नगर के बाहर ले गए और तिना ने तेसके खत्म करने खातर तेसरे पत्थर मारे। जब स्टीफनुस मरने लग रहा था तिने उठी के पुकारया ए यीशु मेरी आत्मा के आपी के ले ले। तब से अपने घुटने बल गिरया और तिने फिर पुकारया ए प्रभु ये पाप इना पंध नहीं लगाया। तब से मरेगा। तेज दिन यरूशलेम शहर भी चराने वाले बहुत सारे लोगों ने मसीह लोगों का सताना शुरू करता। इस खातर विश्वासी लोग दूजी जगह के नठी गए पर इजरे बावजूद भी जेती कैथी भी सो गए तिन्होंने ईश्वर बारे से प्रचार किया। फिलिपुस नाम एक आदमी ईश्वर विश्वासी था जिया कि दूजे विश्वासी लोग से नठे से भी यरूशलेम शहर से नठीगा से सामरिया नगर बिच चलेगा। तिने लोगों बिच ईश्वर बारे से प्रचार किया। बहुत सारे लोगों ने तेसरी शिक्षा से ईश्वर पर भरोसा किया और उद्धार पाया। एक दिन फिलिपुस के परमात्मा की तरफ से एक स्वर्गदूत आया और तेसके सुनसान जगह बीच जाने खातर और एक सड़क बीच चलने खातर बोलिया। फिलिपुस तेती चलेगा। जब से ते सड़क बीच चलने लग रहा था तो तिने एक आदमी अपने रथ बीच जाता हुआ देखा। ये आदमी कूश देश का एक खास अधिकारी था। पवित्र आत्मा ने फिलिपुस के बोलिया कि जाई के इस आदमी के साथ साथ चल और इस साथ गल्ला कर। इस खातर फिलिपुस रथ के गया। तिने सुनया कि से कूशी अधिकारी परमात्मा का वचन पढ़ने लग रहा था जो यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा था। से पढ़ने लग रहा था सो तेसके बाढ़ी जाने वाली पे डर तरह ले गए और जिया एक पे डर बच्चा ऊन कतरते समय चुपचाप रहा तिया ही तिने भी कुछ नहीं बोलिया। तिना ने तेसा बुरा बर्ताव किया और तेसरा आदर नहीं किया। तिना ने तेसरे प्राण ले ले। फिलिपुस ने तेस कुशी अधिकारी से पूछा जो तू पढ़ने लगी रहा क्या तू इसके समझो भी है। तेस कुशी अधिकारी ने जवाब दिता नहीं जब तक माखे किने समझाया नहीं है तब तक आऊ इसके नहीं समझ सकता। कृपा करके मांगे आई कि बैठ और माखे समझा क्या ये ऐसा या ये अपने बारे से लिखने लग रहा था या कैसे हो रही बारे से। फिलिपुस रथा पांदे चढ़ी के बैठेगा। तब तिने तेस कुशी अधिकारी के से वचन समझाया जो ऐसा यहा ने ईश्वर बारे से लिखा था। फिलिपुस ने तेस के परमात्मा रे और भी वचन बताए। इस तरह तिने तेस कुशी अधिकारी के ईश्वर बारे से शुभ समाचार सुनाया और तेस अधिकारी ने यीशु पांदे भरोसा किया। फिलिपुस और से कुशी अधिकारी यात्रा करते हुए नदी किनारे आए। तेस कुशी अधिकारी ने बोलिया देख एती पानी है क्या हूँ बपतिस्मा ले सकूँ। फिलिपुस ने बोलिया अगर तू अपने पूरे मन से यीशु पांदे भरोसा करो आ तो तू ले सको आ। तिने बोलिया हाँ भरोसा करूँगा कि यीशु ही परमात्मा का पुत्र है। तब तिने अपने सैनिका के रथ रोकने खातर बोलिया। तब से पानी बिचे चली गए और फिलिपुस ने तेस कुशी अधिकारी के बपतिस्मा दिता। जब से पानी बिचे तो बारे आए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से फिलिपुस अचानक दूजी जगह बिच पहुंचेगा। तेती फिलिपुस ने लोगों के ईश्वर बारे बताना जारी रखा। से कोशी अधिकारी खुश हुंदा हुआ अपने सहरा के वापस चलेगा क्योंकि से एवे ईश्वर बारे से जानेगा था।